हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है AS5 यानी कि नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आज हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 रिवाइज करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट पहले आपको समझना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हम आइटम्स यानी कि जो एक्टिविटीज हम शो करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस और जितने भी इनकम्स हम शो करते हैं, वो सारी इनकम या तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से होती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती है। उसमें से कुछ आइटम पिछले साल की होती है, कुछ आइटम इस साल की होती है। बेसिकली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सारी आइटम्स को आपने पीएनएल के फेस पर डिस्क्लोज कैसे करना है, तभी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड यानी कि इस साल का प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होंगी, और अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज करते हो तो क्या होगा। तो ये हमारा मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव था कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेसिकली हमें डिस्क्लोजर समझना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसे किया जाएगा। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चार मेन पॉइंट है जो आपको समझने हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है आपका नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स निकालना है आपको इसमें से दो एक्टिविटीज से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको अपने ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज से कितना कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब मुद्दा ये आता है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, ऑर्डिनरी एक्टिविटी वो होती है जो आपके बिजनेस में रेगुलर कोर्स ऑफ इंटरवल में होती रहती है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो हाई होती है। फ्रीक्वेंसी लो भी हो सकती है, बट द मेन पॉइंट इज कि वो आपके रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में अकर करते रहनी चाहिए, यानी कि वो आपके रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट होनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो आपके रेवेन्यू बेस्ड एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्टिविटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट होती है, वो आपकी कहलाएंगी ऑर्डिनरी एक्टिविटी। लेकिन जो आपके रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, जैसे कि नेचुरल कलामिटी आ जाना या कुछ ऐसा हो जाना जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो वो सब एक्टिविटीज जो है वो कहलाती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का प्रॉफिट अलग शो करना होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का प्रॉफिट अलग शो करना होता है। इसका रीजन सीधा सीधा ये होता है कि ताकि सामने वाला जो बंदा है जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज कर रहा है, उसको ये साफ साफ देख के पता लग जाए कि हम ऑर्डिनरी एक्टिविटी से कितना अर्न कर रहे हैं और हमारे बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स इस साल कितने हुए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोबारा जो है वो रेकर नहीं करेंगे, यानी कि दोबारा वो अराइज नहीं होंगे। तो अगर किसी ने एनालाइज करना है तो वो ऑर्डिनरी को एनालाइज करेगा। इसीलिए जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 रिवाइज करेंगे यानी कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर, वहां पर भी हम ये बात बोलेंगे कि हमारे को ईपीएस जब निकालना होता है तो हमें दो ईपीएस निकालने होते हैं, एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी को इंक्लूड करके, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी को इंक्लूड करके और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी को एक्सक्लूड करके, राइट। तो जब हमारी ईपीएस की ये रिक्वायरमेंट है कि ईपीएस में हमें दो दो ईपीएस निकालने पड़ेंगे, तो पहले ईपीएस के लिए अर्निंग्स भी तो चाहिए होंगी ना, तो इसी रीजन से हमें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी को अलग अलग डिस्क्लोज करना जरूरी है, राइट। दूसरी बात, अब ऑर्डिनरी के अंदर भी दो आइटम्स होती है। ऑर्डिनरी में एक तो ऑर्डिनरी हो गई और एक ऑर्डिनरी में ही आती है एक्सेप्शनल आइटम। अब एक्सेप्शनल आइटम ऐसी होती है जो ऑर्डिनरी है यानी कि वो आपके बिजनेस का ही पार्ट है, लेकिन वो कभी कभी वंस इन अ वाइल आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी है तो आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। अब एक बात बताओ, क्या ये इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी हर साल एनआरवी कम हो जाती है? अगर ऐसा है तो आपको बिजनेस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एनआरवी यानी कि जिस रेट पर आप गुड्स बेचेंगे वो आपकी कॉस्ट से ज्यादा है तो आप तो हर साल प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वंस इन अ वाइल हमें देखने को मिलता है कि हमारी एनआरवी कॉस्ट से कम हो चुकी है, तो हम उसको बोलते हैं वैल्यूएशन का लॉस। तो आप ये देखिए, ऐसी कुछ आइटम्स है जिसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम्स बोलते हैं। ये होती तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट है, बट इसका जो नेचर होता है वो बाकी सब आइटम से थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो कोई लॉ में चेंज आया और लॉ में ऐसा चेंज आया कि उसमें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज करना पड़ेगा। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या ये आइटम आपके बिजनेस में, ऑल्दो ये आपके बिजनेस में रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है कि यानी कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करनी पड़ रही है, बट स्टिल ये क्या हर साल होती है या फिर हर दो साल बाद होती है? ऐसा नहीं है ना, ये कभी कभी होता है। तो कभी कभी वाली आइटम्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शनल आइटम।
तो इस टॉपिक के अंदर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यह समझना है कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी आइटम दिखे तो आप इसे बाइफरगेट करेंगे कि ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर आप तीनों को इकट्ठे सोचेंगे ना, ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो आप कभी भी बाइफरगेट नहीं कर पाएंगे, क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये सोचिए कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, डन। अगर ऑर्डिनरी है तो सोचिए क्या ये आपकी बाकी सारी एक्टिविटीज से हटकर है। अगर ये बाकी सारी एक्टिविटीज से हटकर है तो वो एक्सेप्शनल हो जाएगा। अब सर हमें एक्सेप्शनल देखना ही क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल एक्टिविटीज का हमें अलग से डिस्क्लोजर करना पड़ता है, राइट? इसके बाद आती है प्रायर पीरियड आइटम्स। नाउ प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होती है? प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब यह है कि आप पिछले साल या उससे पिछले साल या पिछले जितने भी ईयर्स आपके बीत चुके हैं, यानी कि पिछले कुछ साल आपके जो बीत चुके हैं उन कुछ साल में आपसे कुछ अकाउंटिंग मिस्टेक्स हो गई हैं। अकाउंटिंग मिस्टेक याद रहे, एरर ऑफ कमीशन हो गया। बेसिकली अगर सरल भाषा, लेमैन भाषा में बात करें तो आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं अकाउंटिंग करते वक्त कि आपने किसी को डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, या आपने मोहन के बदले सोहन को डेबिट कर दिया। ऐसी कुछ गलतियां अगर आपसे पिछले कुछ साल में हो गई हैं तो वो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन इस साल वो आप पिछले साल जाके ठीक नहीं कर सकते। अब आपको जो भी गलतियां ठीक करनी है वो आप कब सही करेंगे? इस साल ठीक करेंगे। और अगर आप उसे इस साल ठीक करेंगे तो ऑब्वियसली वो इस साल के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर का मतलब पहले, पीरियड मतलब आज से पहले वाले पीरियड, यानी कि ऐसी गलतियां जो आपने आज से पहले कर चुके हो आप उसे करंट ईयर में रेक्टिफाई करना चाहते हो, दिस इज नोन एज प्रायर पीरियड आइटम्स, राइट? याद रहे, इट शुड बी एन अकाउंटिंग मिस्टेक। अकाउंटिंग मिस्टेक होनी चाहिए, यानी अगर मान लो आप ऐसा कह रहे हो कि पिछले साल मैंने 10 साल का 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया पर मुझे लगता है कि मुझे 12 लगाना चाहिए था, तो दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज चेंज इन एस्टिमेट। यहां पर आपको लग रहा था कि 10% लगाना चाहिए था तब आप 10 ही लगा रहे थे। मुद्दा तब होता कि आप हर साल WDV लगा रहे थे, एक साल गलती से SLM लगा दिया, गलती से। तो दिस इज एन अकाउंटिंग मिस्टेक। याद रहे, इट शुड बी एन अकाउंटिंग मिस्टेक ऑफ प्रीवियस ईयर and will be rectified in the current year. This is known as prior period item. अब बारी आती है change in accounting estimate. जैसा कि मैंने अभी आपसे depreciation की बात करी, आपने पिछले साल सोचा था कि मेरी salvage value जो है वो 1,00,000 है मशीन की। इस साल आके आपको लगा नहीं, मेरी salvage value 1,00,000 नहीं है। salvage value basically scrap value होती है, 1,00,000 नहीं है, 80,000 है। अब अगर salvage value में यानी कि scrap value में कोई भी change आया तो उससे आपका depreciation का amount बदल जाएगा, तो आपको वो चेंज इस साल अप्लाई करना पड़ेगा और आपको उसका अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और अगर आपको याद हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हमने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्कस किया था कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज करते हो और अगर उसका इफेक्ट करंट ईयर में पड़ रहा है, उसका करंट ईयर में एक मटीरियल इफेक्ट है, तो आपको अमाउंट डिस्क्लोज करना है। अगर अमाउंट नहीं निकल सकता तो आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना है। और अगर वो करंट ईयर के लिए मटीरियल नहीं है, आने वाले ईयर के लिए मटीरियल है, तो फिर आपको एक फैक्ट डिस्क्लोज करना है कि इस साल तो मटीरियल नहीं है बट आने वाले टाइम में वो मटीरियल हो जाएगा। तो ये बात हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में डिस्कस करी थी इस फ्लो चार्ट के अंदर। अगर आपने, आपको नहीं याद है तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की वीडियो को रेफर कर सकते हैं, हमने उसकी रिवीजन वीडियो बनाई हुई है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बस इतना सा ही है जिसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट्स में ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में जाओगे तो एक्सेप्शनल है या नॉर्मल है, राइट? उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स के बाद चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड देन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो ये सामने आती है। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।